खबर मध्य प्रदेश के कटनी से है, जहां बहोरी बंद क्षेत्र में सालों से चल रही पानी की समस्या से अब लोगों को निजात मिलेगा। बता दें कि बहोरी बंद क्षेत्र में अब नर्मदा जल परियोजना से पानी की पूर्ति संभव हो सकेगी। बहोरी बंद विधायक अपने क्षेत्र की समस्या को उबारने में सफल रहे, जिसके बाद विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बहोरी बंद क्षेत्र के जल समस्या को लेकर 1,000 करोड़ का बजट पास कर स्वीकृति प्रदान की। इसको लेकर ग्रामीणों ने सीएम शिवराज का आभार जताया। इस बार के बजट में हमारी माननीय सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, हमारे सांसद, प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने बहोरी बंद को बहुत बड़ी सौगात दी है। और वो सौगात ऐसी की जिसकी हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। पेयजल के लिए तो उन्होंने रीठी में हमको दिया ही था, पहले 200 करोड़ के आसपास 109 गाँव को दिया था। अभी उन्होंने बहोरी बंद ब्लॉक, रीठी ब्लॉक को 80,000 हेक्टेयर की सिंचाई के लिए, 80,000 एकड़ की सिंचाई के लिए हमको उन्होंने अभी बजट में शामिल किया है, जिसकी लागत लगभग 1,000 करोड़ के आसपास आना है, जिसका टेंडर बन के तैयार है। बहुत जल्दी टेंडर उसका लग के तैयार होगा। आज वो पल है बहोरी बंद की, मुझे लगता है 60-70 साल से लोग इंतजार कर रहे थे जिस पल का, कि कब हमारे खेतों में जल आएगा, वो नर्मदा मैया का जल आएगा। वैसी कृपा नर्मदा मैया की हमारे इस क्षेत्र में हुई है, जिसके लिए आज पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। हर कोई धन्यवाद दे रहा माननीय मुख्यमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, हमारे सांसद जी को, हमारे पूरे नेतृत्व को।